दुनिया में आपके किसी से नहीं पढ़ा, ताकि कोई ये दावा ना करे
किरदार है, मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है। अल्लाह ने फरमाया ये वो मेरा नबी है, ये किसी से तरबियत लेने के लिए नहीं आया बल्कि कायनात को तरबियत देने के लिए आया। और इसलिए इसका कोई उस्ताद मैंने दुनिया में नहीं बताया कि ये जो कुछ भी पढ़ के आया है ये सारा कुछ जो है खुद रब्बे करीम की जात से पढ़ कर आया। तो आप अंदाजा करें जिस जात रिसालत इमाम सल्लम का उस्ताद मुअल्लिम पढ़ाने वाला अता करने वाला खुद रब हो और लेने वाली हुजूर की जात हो, फिर कौन सी ऐसी कमी रह गई होगी और कौन सा ऐसा मकाम रह गया होगा कि जो हमारे नबी को अता नहीं हुआ होगा। तो इसलिए अल्लाह ने इस मकाम पर भी फरमाया कि इन्ना अरसलना, हमने आपको भेजा, और दो शाने देकर भेजा, बशीरा व नजीरा, कि जो नेक अमल करता है, साले है, मोमिन है, ऐ हबीब उनके लिए आप खुशखबरी सुनाएं। हुजूर ने कई अकवाल में, अहदीस में, बल्कि कई सहाबे किराम को तो आपने बशारत भी दी कि भी आपको जो है जन्नत की खुशखबरी है, उनके लिए जन्नत का ऐलान फरमाते हैं। आपने फरमाया कि जो जो इस तरीके पे जिंदगी गुजारेगा मैं तुम्हारा नबी उसके लिए जन्नत का ऐलान करके जा रहा हूँ। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अल्लाह की नाफरमानी करने वालों के बारे में बताया कि जो ये नाफरमानी करेगा उसको ये अजाब होगा, ये सजा होगी, ये सजा होगी वगैरह। अब यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया बता तुस साहब जही, अरे अभी आपने नेक लोगों को खुशखबरी सुना दी, आपने बुरे काम करने वालों को डर सुना दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ठीक है, फरमाया आप उन लोगों के बारे में परेशान ना हुआ करें जो दोजख में जाएंगे, आपसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपका काम था बता देना, सुनने वालों का काम था उस पर अमल करना। इसी तरह सूरह यासीन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन, कि हमारे जिम्मे नहीं है मगर खुली बात पहुंचा देना, वाज़े बात पहुंचा देना। दीन का कोई भी मुबल्लिग है, दीन का कोई भी मुअल्लिम है, उसकी भी यही जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारे कानों तक रब का पैगाम पहुंचाए। मनवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, किसी मुअल्लिम की जिम्मेदारी नहीं है। फिर ये बात इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बास उलमा जो है वो मुकर्ररीन स्क्रीन पे बैठ के वो गालियों तक चले जाते हैं और पता नहीं क्या क्या तशद्दुद और सख्ती वाले लफाज और जुमले बोल जाते हैं। ऐसा नहीं, मुबल्लिग का काम है बात पहुंचा देना, लोगों के कानों के दरवाजों पे दस्तक दे देना। उसने दस्तक दे दी, आगे उस दस्तक के बाद हिदायत के लिए दरवाजे का खोलना ये मेरे रब का काम है। जो बंदा खलूस दिल वाला होगा और अल्लाह उसके रसूल के साथ मोहब्बत के जज्बात रखने वाला होगा, जब पैगाम बार बार उसके कानों पर पहुंचेगा अल्लाह उसके लिए एक दिन हिदायत का दरवाजा भी खोल देगा। इसलिए सुनते रहा करें तबलीग, सुनते रहा करें, अपने कानों पे दस्तक दिलवाते रहा करें। हिदायत और तौफीक ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ खास है, वो जब चाहता है जिसके लिए चाहता है अल्लाह अपनी अता का दरवाजा खोल देता है। हम सच्चे तालिब बन जाए, ठीक है, अगर तलब सच्ची हो ना, तड़प सच्ची हो तो फिर अल्लाह रास्ता बना देते हैं। उसका वादा है कुरान में कि वादा, कुरान में आता है अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो हमारी राहों का मुसाफिर बनता है, कि जो हमारी राहों का मुसाफिर बनता है हम उसके लिए रास्ते खोल देते हैं, रास्ते खोल देते हैं। तो जब बंदा अल्लाह की राह का मुसाफिर ही नहीं बनेगा, ऐसा तरीका अल्लाह का नहीं है कि बंदा घर में बैठा रहे, अल्लाह का फरिश्ता है उसको कान से पकड़े मस्जिद में ले जाए, फरिश्ता है उसको कान से पकड़े ठीक रास्ते पे लगा दे, नहीं। अल्लाह ने अकल दिया, शऊर दिया, दिमाग दिया, अल्लाह ने एहसास का जज्बा दिया, ये सारी चीजें इसलिए है ताकि इंसान के सामने दोनों रास्ते वाज़े कर दिए जाए और फैसला इंसान की सोच और उसके शऊर पे रखा जाए कि वो ठीक को अपने लिए सिलेक्ट करता है या गलत को करता है। तो इसलिए अल्लाह का कुरान है, हजूर के फरमान है, ये पूरा दीन का एक पैकेज है जो हमारे पास मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक उसकी तबलीग जो है वो हो भी रही है, और मुसलमानों का माशरा है, मुसलमानों का माहौल है, हर एक को पता है कि क्या गलत है और क्या ठीक है। तो
तो हमें हर वक्त इस तरह में और इस कोशिश में रहना चाहिए कि हर वक्त अपने लिए सही का इंतखाब करें। दूसरी आयत में फरमाया वलन तरदान कल यहूद वलन नसार हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि यहूदी और ईसाई वो कभी भी आपसे राजी नहीं होंगे, कभी भी राजी नहीं होंगे, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहां तक कि आप उनके दीन की पैरवी कर लें। तो इसलिए यहूद और नसारा के साथ मुल्की सतह पर, माशरती सतह पर जो इंसानी नौयत के तल्लुकात हैं उनके रखने में कोई ममानियत नहीं। इंसानी बुनियादों पे ताल्लुक, खुशी गमी में शिरकत, ताजियत, ये इंसानी बुनियाद पर गैर मुस्लिम के साथ जायज है, लेकिन उनको दोस्त बनाना, या हमारे कई साथी कह देते हैं खासतौर पे जो बाहर की विजिट करके आते हैं, आते ही उन्होंने जबान आते पहला नारे ही होते बड़े सही ओ साढ़े नाल चले नहीं। अल्लाह ने जो आपके सीने में ईमान का नूर रखा है ना, ये ईमान की दौलत और ईमान का नूर ये दुनिया के तमाम तर मजाहब से जो है ये अच्छा है, क्योंकि इसकी तस्दीक कोई दुनिया का बंदा नहीं कर रहा बल्कि खुद अल्लाह की जात फरमा रही है कि जो दीन इस्लाम का पैरोकार है वो सच्चा है। और अल्लाह ने फरमाया कि जो दीन इस्लाम के अलावा किसी की पैरवी करता है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। तो इसलिए फरमाया वो तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। इन्ना हुदल्लाह वल हुदा, हिदायत वही है जो अल्लाह की तरफ से है। वलैनि तबअत अहवाहुम, फरमाया ऐ सुनने वाले अगर तू पैरवी करेगा उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, इल्म आ जाने के बाद यानी अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का फरमान, आयत मुबारक ये समझने के बाद भी अगर तू उनकी पैरवी करेगा तो फिर अल्लाह फरमाता है मा लका मिन अल्लाह मिन वली वला नसीर, ना अल्लाह की तरफ से तुझे कोई मदद मिलेगी और ना अल्लाह की तरफ से तुझे नुसरत मिलेगी। अब यहां पर हमने फैसला करना है कि इल्म आ जाने के बाद, शऊर आ जाने के बाद हमारी दोस्तियां किन के साथ है, हमारे ताल्लुकात किन के साथ है, हमारी तरजीह में क्या है, हम अपनी जो है दुनिया और आखिरत में किसको दलील बना के रखते हैं। तो जो कुरान को समझे भी और कुरान की बातों पे अमल भी करे, अल्लामा इकबाल ने कहा था ना वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारे के कुरान होकर, हम तारे के कुरान हैं, कुरान को छोड़ दिया हमने। जब तक हमारे मुसलमानों ने कुरान के दामन के साथ अपने आप को जोड़ के रखा, अल्लाह पाक ने हर मैदान में उनको फतह अता की। तारिक बिन ज़ियाद जब मैदान में जंग में जाता सीने पे कुरान बांध के जाता, और गैर मुस्लिम जब देखते सीने पे कुरान बांध के आ रहे तो मैदान छोड़ के चले जाते, और उनका ये उनका ऐलान था कि मुसलमान जब भी मैदान में ये कुरान लेकर आते हैं तो अल्लाह ताला इनको फतह अता फरमा देता है। ठीक है, हम क्यों जलील हो रहे हैं, हम क्यों खार हो रहे हैं कि हमने इस असल निजाम को और असल किताब को हमने छोड़ रखा है। तो जो जो इससे जुड़ते जाएंगे, तिलावत का हक अदा होता जाएगा, तो इसकी बरकतें हमें मिलती जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने पिछले साल से स्कूलों में जो है तर्जमे का एहतमाम कर दिया, नाजरे का एहतमाम कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वही काफी नहीं है, अपने घरों में ये माहौल निकल हर घर में बैठे कैफे लिए हमने माशाल्लाह बच्चे बहुत शोबों में जो है आगे आ रहे हैं, तो उनको साथ ये तरबियत करें बेटा, एक लफ्ज पढ़ो, एक आयत पढ़ो, लेकिन समझ के पढ़ने वाले बनो। ठीक है, अब 75 साल हो गए हमें अपनी औलादों को बस नाजरे में लगाया हुआ है, उसी को सब कुछ समझ लिया, नहीं बल्कि ये कुरान निजाम है, और जिन्होंने इसका हक अदा किया अल्लाह का वादा है कि वो सच्चे जो है ईमान वाले भी हैं, और अल्लाह उनको फिर कुरान की तिलावत का हक अदा करने का इनाम भी अता फरमाता है। हजूर एक गज़वे में शरीक थे, एक सहाबी हाजिर हुआ, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने रात को फलां जगह पे अपना घोड़ा बांधा है, ना वो घोड़ा खुद सोया है ना उसने मुझे सोने दिया, वो जहां पे मैंने बांधा है सारी रात को